हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं अपनी बीफ कढ़ाई के साथ आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। ये स्पेशली उन बच्चियों के लिए है जो नई नई कुकिंग बनाना सीखती हैं और उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है कुकिंग करना। वो कहती हैं कि तमाम मसालों का उन्हें पता नहीं होता। ये वो स्टैंडर्ड मसाला जाते हैं जो हर हंडिया हर सब्ज़ी में डलते हैं, हर कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है और मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, दो से तीन अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के और 5 से 6 हरी मिर्ची हैं। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा है ज़ीरा और काली मिर्ची और दालचीनी। ये दालचीनी जो है वो 3-4 लकड़ियाँ ले लें आप, और काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी लें, और 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 2 बड़े चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, और पिसा हुआ साबुत धनिया जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं घर में खुद ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू और लज्जत बाज़ार के जो पिसा हुआ धनिया उससे ज़्यादा अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। इसके बाद कुकिंग ऑयल है, 2 कप मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। जब मैं फ्राई करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये 15 से 20 मिनट ले लें आप प्रेशर में, वो बहुत अच्छा अगर फ्रीज़र का गोश्त हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो आधा घंटा लगता है उसमें, और अगर ये आपका फ्रेश गोश्त है तो वो आपका 20 या 25 मिनट लगेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ये गोश्त इसमें डालना है। गोश्त के बाद आप तमाम इसमें मसाला डालें, तमाम मसाले इसमें ऐड करने जो मैंने आपको दिखाए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, ये गरम मसाला है, उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर आपने सारे डालने हैं, और ये मैंने प्याज ली है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये मैंने 2 ग्लास पानी डाले हैं इसमें, और 2 से आप आधा ग्लास और डाल दें कि गोश्त जो है वो आपका अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद मैं जब 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, एक बात और नोट कर लें कि आपने प्रेशर का ढक्कन जो है वो पहले नहीं बंद करना जब तक आपके पानी में उबाला ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद प्रेशर ज़्यादा जल्दी चलता है और ख़तरा भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गैस का प्रेशर बनता है तो वो फटने का भी खतरा होता है। तो आप पहले उबाला आने दें हंडिया में, जो भी चीज़ आप कुकिंग कर रहे हैं उसका पहले उबाला आएगा, उसके बाद आपने ढक्कन बंद करना है। ठीक है, ये अब उबाला आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये अब इसमें उबाले आने लगे हैं, अब मैं इसका ढक्कन लगाने लगी हूँ प्रेशर का, क्योंकि उबाले आने से पहले आपने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाना, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और प्रेशर का भी डर लगता है। ठीक है जी, देखें व्यूवर्स, मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। एक और पॉइंट ये है कि अगर आप उबाल आने के बाद ढक्कन लगाते हैं ना तो प्रेशर भी जल्दी हिलता है, इसकी विसल जो है जल्दी बचती है, बजाय इसके कि आप उबाल आने का इंतज़ार करें और ढक्कन पहले ही लगा दें। ठीक है ना, आपने ऐसे ही करना है, इस तरह काम जल्दी और आसान होता है। मैं हमेशा आपको आसान और इजी रेसिपीज़ बताती हूँ जिसमें कम खर्च होता है और टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि घर की चीज़ों से ही हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी दे सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल्स को ज़रूर देखा करें, मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं नई रेसिपी डाल रही हूँ तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, उबाल आने के बाद मैंने जब प्रेशर लगाया था तो फ़ौरन सीटी हिल रही है, तो इसके हिलने के बाद मैं अभी 25 मिनट के बाद इसको खोलूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये रेडी हो गया है। तो आप ये बात ज़रूर नोट कर लें कि आपने हमेशा कुकर में उबाल आने के बाद प्रेशर का ढक्कन लगाना है, उससे पहले नहीं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ये 25 से 30 मिनट, बल्कि 5 मिनट जो है ना मैंने ऊपर एक्स्ट्रा इसको दिया है, ताकि ये बीफ था अच्छी तरह गल जाए। अब ये मैंने प्रेशर का ढक्कन उठाया और ये देखिए ये अच्छी तरह से गल भी गया, बस इसमें थोड़ा सा पानी है, ये मैं ड्राई करके इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई करके फिर मैं गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने पानी ड्राई करके इसमें 2 कप ऑयल डाला है, या 2 कप डाल लें आप, या फिर वो जो बड़ा खाना बनाने वाला चम्मच होता है वो 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा भून लिया,
मैंने ये अच्छा सा फ्राई किया है और इसके बाद मैं अब इसको डिश आउट करूँगी और हल्का सा गार्निश करूँगी। हरे धनिए और अदरक के साथ भी कर सकते हैं, खाली हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है तो साथ एक दो हरी मिर्चें भी डाल के गार्निश कर लें। ये बहुत लजीज़ है, अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये फ्राई होने पर आ रहा है। ये अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, फिर आपको और ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसके व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। ये छोटी छोटी सी रेसिपी होती हैं और बिल्कुल सिंपल होती हैं और घर में ही हर चीज़ अवेलेबल होती है, कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं ऐड करती क्योंकि उसे ज़रा परेशानी भी होती है, कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं हैं और मसाला तेज़ हो जाता है जिससे बर्न होता है इंसान। ज़्यादा स्पाइसी खाने खा के चेस्ट में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है जिससे आपको खाना जल्दी हजम भी नहीं होता और मिर्चें लगती हैं। लेकिन ज़्यादा स्पाइसी ना ही बनाएं और दरमियाने मसाले रखें जिससे आपको लज़त में भी जायका आए और लजीज़ खाने बने। मेक श्योर कि आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मैं डिश आउट करके आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और मेरा बेल आइकॉन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर दिया है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और घर की चपाती के साथ भी, आप जिसे चाहें खाना खा सकते हैं और ये बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, मेरा चैनल ज़रूर सकेगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह आसान रेसिपी के साथ आऊँगी और जिसमें कम अखराजात हों और जो घर में ही चीज़ें आपको अवेलेबल हों, ज़्यादा मसाला बने, ठीक है ना। इंशाल्लाह, हाफिज़, ओके बाय।